गाइस, माय नेम इज अदील एंड यू आर वाचिंग द बायोमेड रूट। सो आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। ये हमारे पास एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन नया आया है। सो इस वीडियो में हम इस यूनिट को इंस्टॉल करेंगे, इसको असेंबल करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसको किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है और इसके अंदर कितने वेपराइजर हैं और इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमने जो है ना उसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। ये रैपिंग के साथ मशीन हमने जो है वो ट्रॉली से नीचे उतार ली है और ये पूरा यूनिट आ गया। और उसके साथ ये तीन बॉक्स हैं, वेपराइजर है और उसके साथ इसका वेंटिलेशन सिस्टम है और बाकी चीज़ें हैं। तो इसको हम उन बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम अनरैप करके इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए अब इसको नेक्स्ट असेंबल करते हैं। तो पहले इन बॉक्स को खोल लेते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट। तो जो पहला बॉक्स है उसके अंदर से हमारा सेवो वेपराइजर निकला है। इसका ये प्योर फिल वाला है, इसको आप ओपन करेंगे यहाँ से। आप इसकी आपको चेक करवाता हूँ, आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके साथ ये पीछे इसका लॉकिंग सिस्टम है, तो इसको हम अपने यूनिट के साथ इसको फर्दर इंस्टॉल करेंगे। अभी हम नेक्स्ट खोलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। तो इसके अंदर ये बेलो है हमारा, इसके अंदर हम बेलो लगा देंगे और इसका जो है ना सिंपली हम उसका अपने वेंटिलेशन के साथ इंस्टॉल कर देंगे। हमारे पास दो वेपराइजर हो गए, एक हमारा सेवो का हो गया और एक आइसोफ्लोरिन का हो गया। इसको भी हम जो है ना ओपन कर लेते हैं। ये भी प्योर फिल वाला है, यहाँ से आप ओपन करेंगे, इसके अंदर आप मेडिसिन डाल देंगे और यहाँ से आप इसका एनेस्थीसिया के साथ लॉगिंग कर देंगे। इसको भी हम साइड भी कर देते हैं। ये हमारा सारा वेंटिलेशन सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर अब्जॉर्बर है और बाकी चीज़ें हैं। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको भी हम यूनिट के साथ इंस्टॉल करेंगे। अब हम मशीन की जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, एक्सेसरी जो हैं, जो वेपराइजर हैं, हमारा बेलो है और हमारा जो अब्जॉर्बर है, इसको हमने अनबॉक्स कर लिया है। अब इस मशीन को जो है हम इसको अनरैप कर लेते हैं। अनरैप करके इसकी जो टेपिंग वगैरह उतार के इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस, ये है मशीन की फर्स्ट लुक। टेक्नो इसका मेक है और ये इसका मॉडल है TK7700G। यहाँ पे हम दो जो है वो वेपराइजर लगा देंगे। ये इसका पूरा वेंटिलेटर है जो कि डिजिटल स्क्रीन के साथ है और इसके बाद यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रस की जो है ना यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी। यहाँ पे हमारे सिलेंडर्स की सप्लाई आएगी। यहाँ पर हम पीछे जाके सिलेंडर का भी चेक कर लेते हैं। और इस तरह यहाँ से इसका जो ऑन ऑफ है, यहाँ पर इसका फ्लैश गैस का है और ऑटो फ्लैश का सिस्टम है। और इस तरह ये नीचे इसका दराज है जिसके अंदर बाकी इसकी वगैरह एक्सेसरीज वगैरह सारी पड़ी हुई हैं। तो इस तरह का ये यूनिट है। इसको मैं आपको बैक को भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ है और यहाँ पे इसके जो ऑक्सीजन की सप्लाईज है वो वगैरह सारी अटैच हो जाएंगी। यहाँ पे AGS सिस्टम लग जाएगा और यहाँ पे आप सिलेंडर मैनुअल लगाना चाहते हैं तो वो अभी सिस्टम नहीं लगा हुआ है इसका, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर वहाँ पर चलेगा। तो अभी हम इसके जो पापी बाकी चीज़ें हैं एक्सेसरीज यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ये हमारा बेलो है जो कि बेलो बैग के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। और इस तरह ये इसकी पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड हम लगा देंगे इसके साथ। इसको मैं साइड पर रखूँगा। और इस तरह ये इसका कनेक्टर है सिलिकॉन का, इसको हम देखते हैं इसका किस क्या पर्पज़ है। ये हमारे पास जो ऑक्सीजन के नाइट्रस का पाइप है, ये नाइट्रस का पाइप है, इसको हम इसके साथ इंस्टॉल कर देंगे। और इसी तरह ये ऑक्सीजन का पाइप आ गया हमारे पास। इस तरह ये हमारे पास फ्लो सेंसर है, इस फ्लो सेंसर को हम अटैच करेंगे सर्किट के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास ये ट्यूबिंग आ गई है जो कि रीयूजेबल है, सर्किट है, ये सारा इंस्टॉल। अच्छा, तो ये हमारा सर्किट आ गया। सर्किट को हम अभी साइड पे रख देते हैं। इस तरह जो एक और पाइप है, ये शायद AGSS के लिए है, इसको भी हम देख लेते हैं। और ये हमारा एक जो है मास्क है, इसका कनेक्टर। और ये एक पाइप है जो कि सक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये डिफ्यूज़ हैं, इसको अभी हमारा यूज़ नहीं करेंगे।
और इस तरह ये जो कनेक्टर है ये अब्जॉर्बर लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और एक ये एक्स्ट्रा पाइप है। तो अभी हम पाइप जो है उसके अंदर ही रख देते हैं, बाकी चीज़ों को हम असम्बल करें। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं स्क्रू को, इसके साथ हम जो है अपना जो अब्जॉर्बर है और उसका कैनिस्टर है वो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इसको अब हम फिक्स करते हैं। तो ये हमने असम्बली कर दी है इसकी पूरी। अब हम जो है अपना जो सर्किट अब्जॉर्बर सिस्टम है हम उसको इसके साथ अटैच करेंगे। इसका यहाँ पे आप रख के सिंपल जो है इसको लॉक जो है इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये लग गया है, इसके साथ हम इसका जो लॉक है इसको हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो इसके बाद इसके पीछे जो है वो हम अपना बेलो सिस्टम लगाएंगे ये वाला। तो इसको सबसे पहले तो हम तो अब हम ये जो ऑब्जार्वर है इसको खोल के इसके अंदर जो हमने बेलो निकाला था इसको हम फिक्स कर लेते हैं। इसका तरीका ये होता है कि इसके ऊपर हमें सिंपली इसके ऊपर करके इसको लॉक कर देना होता है। जो रबड़ होती है इसके लिए इसकी लाइफ होती है, उसके बाद को आपको चेंज करना पड़ता है। अभी हम सिंपली इसको इसके ऊपर लगा के इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा सिस्टम कम्प्लीट हो गया और ये काम कर रहा है, और इसके बाद हमने इसको वापस कवर लगा देना है वापस। तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो मार्किंग की हुई है ये आपके जो एनेस्थीसिया है उसके सामने रहे, इस तरीके से ये सामने से नज़र है तो जितना बेलो ऊपर जा रहा है। अब हम इसके जो कनेक्शन है ये हम अपने ऑब्जर्वर के साथ करते हैं। तो अभी हम पहले जो है ना ऑब्जर्वर जो है ना अपने उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको सिंपल तरीका होता है, इसको यहाँ पे ये दो जो बने हुए हैं इनके ऊपर आपने रखना है सिंपली और लॉक कर देना है। ये रखेंगे और ये लॉक हो गया। इसी तरह जो हमारा दूसरा वेपराइजर है उसको भी हमने सिंपली इसके ऊपर ऐसे रखना और लॉक कर देना। तो ये इसके दोनों लॉक हो गए। यहाँ से आप अपने वेपराइजर को फिल करेंगे और उसके बाद इसको यूटिलाइज करेंगे। इसका वेंटिलेशन है यहाँ पे, बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी हमने हमारा जो सिस्टम है ऑब्जर्वर का वो सारा इंस्टॉल करना। सो अभी हम जो है अपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो पाइप कनेक्शन है वो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सिंपली कनेक्टर है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के हैं, एक बैकअप के लिए है, एक रिजर्व के लिए है और एक सिंपल के लिए है। तो अभी हम इसको यहाँ से प्लग करेंगे और इसको यहाँ से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा एक ऑक्सीजन का पाइप आ गया। इसके आगे आगे भी कनेक्टर लगाना जो है वो बाकी हैं, तो कनेक्टर हम बाद में लगाएंगे। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का पाइप कनेक्टर इसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे। इसको जो है वो आप सिलेंडर के अपने यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह तीसरा जो है वो हमारा नाइट्रस का है। तो नाइट्रस को हम यहाँ से लग करके इसके आगे भी अभी कनेक्टर लगना बाकी है। तो ये हमारे ऑक्सीजन के नाइट्रस के जो पाइप कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम उसको प्लग पावर प्लग कर देंगे, यहाँ पर बोर्ड पर कन्वर्ट करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। तो ये निकलेगी नहीं बाई एक्सीडेंटली। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया पीछे से, और इसी तरह इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। और हमारे वेपराइजर भी लग गए हैं, मशीन का ये भी लग गया है। अब हमने यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना है। तो गाइस ऑब्जर्वर भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। वो ऑब्जर्वर का सिस्टम लग जाएगा इस तरह, जो यहाँ से फ्रेश गैस जो है वो इस यूनिट में आ जाएगी, वहाँ पे इस यूनिट पे आ जाएगी। इस तरह हमने ये मैनुअल जो इसका बाइक है वो भी अटैच कर दिया है, और यहाँ पे इसका सर्किट भी अटैच करके यहाँ पे इसका फ्लो सेंसर जो है ना वो लगा दिया है। अब वो इसका करना है, फ्लो सेंसर जो है वो इसकी जो पाइपिंग है वो यहाँ पर लग जाती है। इसके साथ जो एक्सटर्नल दो सेंसर लगते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो बाकी हम जो वेंट है वेंट को हम देख लेते हैं। वेंट यहाँ से हमने वो कर लिया, इसके पीछे कनेक्शन भी कर दिया है। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के साथ ये वेंटिलेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। ये पूरा टच स्क्रीन वेंटिलेटर है। अभी हमने गैसेस जो है उसको अटैच करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर इसके ये तीन मोड आते हैं।
ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, जिसमें एसी है, एसआईएम भी है, और ये दूसरा एसआईएम पे इंटर हम कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको हम रिटर्न चले जाते हैं, तो एसआईएम हमारा सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं उसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये अभी हम क्योंकि अलार्म आ रहा है, हमने गैस अटैच नहीं की हुई, तो इसकी हम गैसेज अटैच करके तो फिर इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारा जो यूनिट है ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हम भी हम थिएटर में लेके चलते हैं। थिएटर में लेके जाके इसकी जो है वो एक्चुअल गैसेस के साथ अटैच करके इसके पाइप, तो फिर हम इसकी जो सेटिंग वगैरह है और इसकी जो है वो कनेक्शन सारे चेक करके इसकी जो है वो वर्किंग देख लेते हैं। अभी टाइडल वाली हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, 400 के करीब लेकर आ रहे हैं। अब इसको ना ज़रा स्टेबल होने दें। अच्छा टाइटल आ गया 500 और मिनट वाली हमारा जहाँ से रेट सेट होता है ये आई रेशो, ये लीटर पर मिनट के हिसाब से पीप वैल्यू मैक्सिमम फ्लो, और इसका जो ये टाइटल वाली है ये मैनुअली कंट्रोल होता है 200 से लेकर 1000 तक। Thank you.